आप लोग? आई होप आप सब भी बहुत ही अच्छे से होंगे, जैसे मैं बहुत अच्छे से हूँ। टच वुड, भगवान करे हर कोई बहुत ही अच्छे से रहे। तो मैं आज आप लोगों को कुछ इंडियन कलेक्शन लाइक ज्वेलरी एंड बैंगल्स इसके कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि उसके पहले अगर मैं सारे कुछ इतनी इंडियन चीजें दिखा ही रही हूँ तो क्यों ना मैं एक इंडियन ड्रेस भी दिखा दूँ। जैसा मैंने पहले भी बताया है, मुझे साड़ीज वगैरह पहनने का बहुत 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 ज़्यादा शौक है। तो मैंने एक कुछ निकाला, बहुत सारे इतना सारा पिटारा है, उस पिटारे में से एक साड़ी निकाला और मैंने उसको पहन लिया। तो सबसे पहले प्लीज़ आप लोग बताइए कि ये साड़ी कैसी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। मैं अपने एक्चुअली कमिंग वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में, नेक्स्ट तो नहीं कह रही हूँ बट आने वाली वीडियोज़ में, मैं आप लोगों को बनारसी साड़ीज एंड सिफॉन साड़ी, जो मेरे पास काफ़ी स्टॉक है, इंडिया में तो बहुत सारे हैं ही, मैंने यहाँ भी जमा लिया है, तो मैं वो भी दिखाऊंगी। और उन चीजों के साथ मैं आपको गोल्ड वाले जो मेरी ज्वेलरीज हैं उनका कलेक्शन दिखाऊंगी। मेरे पास यहाँ बहुत सारे तो नहीं है, इंडिया में बहुत सारे हैं बट यहाँ मैं थोड़े से लेकर के आई हूँ, तो मैं उसको उन्हीं सारी चीजों के साथ दिखाऊंगी जो मेरे बनारसी साड़ीज एंड बनारसी सूट एंड साड़ी जो भी कलेक्शन है उसके साथ फिट कर दूंगी, बिकॉज वो थोड़े से हैं, ज्यादा नहीं है। तो आज के कलेक्शन में गोल्ड ज्वेलरीज नहीं आएंगे। और चलिए फिर सबसे पहले ये बताइए कि मेरा ये ड्रेस कैसा लग रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा। तो ये है मेरी पूरी साड़ी, आई थिंक बहुत दूर हो गया है कैमरा बट सेटिंग यही वाली फिट है वहां पर। तो बताओ कैसी लग रही है आप लोगों को? आई होप अच्छी लग रही होगी। कलर इसका बहुत ही ज्यादा प्यारा है, दिखा दी। अब इसके बाद चलते हैं अपने कलेक्शन की तरफ, जो मैंने कल प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगी जो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, सारी लेडीज को स्पेशली बहुत पसंद आने वाली है, चाहे वो किसी भी एज की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेरा हॉल। और एक चीज और जो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई, मैंने आज ही कल ऑर्डर किया था और आज ही आया ये लिपस्टिक का सेट, आप लोगों को कैसा लग रहा प्लीज बताइएगा। एक्चुअली ये लिपस्टिक मैंने अमेजोन से ऑर्डर की है और ये 6 का पैक है, मैट का लिपस्टिक जो लिक्विड वाला आता है वही है, और बहुत ही परफेक्ट है यार ये, ड्राई होने के बाद बिल्कुल भी फैल नहीं रहा है, मतलब इसके रिव्यूज़ भी बहुत ही हाई थे, इसकी रेटिंग काफ़ी हाई थी। तो अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ज़रूर शेयर करूंगी, आप सबको ट्राई करना चाहिए बिकॉज ये काफ़ी सस्ता है, और लाइक मेरे को $15-16 में 6 मिले थे यार, और क्या चाहिए। इंडिया में एक लिपस्टिक 400-500 की मतलब मिनिमम भी लोगे तो मिलती है, जो कि ढंग की थोड़ी होती है। तो मैंने ये 6 लिया है और $16-17 के अंदर है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का अपना ड्रेसिंग ही, जो ड्रेसिंग टेबल है वो दिखा देती हूँ। मैं भी इसमें एक्चुअली दिख रही हूँ, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने ड्रेसिंग टेबल काफ़ी अच्छे से अरेंज किया है, और यू नो काफ़ी मेस हो जाता है ड्रेसिंग टेबल के अंदर, फिर जो आप चाहते हो वो जल्दी नहीं मिलता है, फालतू की चीज़ें ज़्यादा सामने आती हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं बहुत ही कम पैसे में कैसे अरेंज की हूँ। ये सारे जो छोटे छोटे ये बॉक्सेज है ना, ये बहुत सस्ते मिलते, लाइक $3-3.5 ऐसे ही ये बॉक्सेस मिले हैं मुझे। तो ये काफी छोटा सा ये लिपस्टिक वगैरह एंड ऑल, एंड देन ये मेरा परफ्यूम कलेक्शन है, मेरा क्या मेरे हस्बैंड का परफ्यूम कलेक्शन है, उसको बहुत ज्यादा पसंद है परफ्यूम्स खरीदना। अभी अभी मंगवाए हैं वैलेंटाइन के टाइम में, वर्साचे का है येलो डायमंड, आप लोगों को शायद अच्छे से इसमें दिख रहा होगा। और ये कैल्विन क्लेन का सीक्रेट ऑब्सेशन, इस पे नाम ऐसे सामने नहीं लिखा बट मैं बता रही हूँ, कैल्विन क्लेन का है सीक्रेट ऑब्सेशन। और ये है माइकल कोर्स का, ये दूसरा है डायमंड, और ये तीसरा है गिवेंची, कोई फ्लोरल वाला ही है, मुझे इसका भी नाम एक्चुअली पता नहीं है, इतना पॉपुलर नहीं है बट इसकी खुशबू काफी अच्छी है। इस पर तो कहीं भी नाम नहीं लिखा है कि मैं कुछ भी बता सकूं, बट इसकी भी खुशबू काफी अच्छी है। और ये है इसकी तो ऑसम है, लाजवाब खुशबू है इसकी, बर्बरी लंडन जो भी आप कह लो, जस्ट अभी आया है, ऑसम खुशबू है यार, आप लोग भी इसको जरूर खरीदना। ये है कैल्विन क्लेन का ही ऑब्सेशन स्केप, ये तो पिंक आइस मेरी बेटी को किसी ने गिफ्ट किया है।
और ये है शालीमार, इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी है। और बाकी यार अब थक गए, अभी रहने देते हैं। ओके अब चलते हैं कि मैंने कैसे अरेंज किया। इसमें मैंने अपनी एक फोटो भी लगा दी है फैमिली पिक्चर, और यहाँ से आप लोग को दिखाते हैं। तो ये मैंने एक बॉक्स लिया है व्हाइट कलर का बड़ा सा, और इसके अंदर जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो कि मैं डेली ऑलमोस्ट यूज़ करती हूँ, कि इसमें मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं, क्रीम एंड ऑल, मॉइस्चराइज़र। देख सकते हो एक एक चीज़ों को क्या दिखाना है, बट आप देख लो मैंने कैसे अरेंज किया है। और ये कॉम्ब रखने के लिए भी मैंने अलग से एक बॉक्स लिया, अदरवाइज कुछ कॉम्ब इधर पड़े रहते हैं, कुछ इधर पड़े रहते हैं। ये है मेरा ब्यूटीफुल कलेक्शन जो आप लोगों को दिखाना भी है, तो मैं इसको अलग से रख करके अभी आइलैंड के ऊपर आप लोगों को दिखाऊंगी। ये जस्ट मैं अभी ड्रेसिंग टेबल की सेटिंग दिखा रही हूँ, बाकी मैं अलग से जरूर दिखाऊंगी। और इसी लिपस्टिक के बारे में मैं बातें कर रही थी, जो मैंने जस्ट अभी अभी लगाया है। तो आप कोई भी सेट लगाओ, ये ऐसे आता है, बहुत ही अच्छा है यार। और इसमें तो ऐसे ही जो एसेंशियल चीजें होती हैं वो मैंने डाल रखी हैं। जो जगह है वो मैंने सही से फिट नहीं किया है, इधर से उधर चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, बट जैसे ये एक्स्ट्रा इसके अंदर आपको दिख रही होंगी, बट टाइम नहीं था यार, तो जैसे था मैंने वैसे मैं वैसे ही दिखा रही हूँ आप लोगों को। बैंगल्स मैंने यहीं से लिए हैं, यहाँ के स्टोर से। बहुत ही प्यारे हैं यार रेड कलर। ये है मेरा चूड़ा, जो एक्चुअली हमारे यहाँ शादी में कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन शौक से मैंने खरीद लिया था, कभी ज्यादा पहना भी नहीं है, एक दो बार ही पहने होंगे। ये सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज है, इसमें एक भी गोल्ड नहीं है, बट सिल्वर के थोड़े से मैंने यहाँ रखे हुए हैं पायल एंड ऑल। तो गोल्ड ज्वेलरी मैं आप लोगों को नेक्स्ट कभी दिखाऊंगी, जब मैं अपने साड़ियों के कलेक्शन एक साथ ही उसको ऐड कर दूंगी, साड़ी एंड गोल्ड ज्वेलरी। तो अभी ये देखिए आप लोग, यार इसमें कलर काला क्यों दिख रहा है, ये तो बहुत ही गोल्ड सा है, प्रिटी सा। और ये मैंने पूरा सेट ही लिया था दिल्ली से, इसके बहुत सारे जो पीसेज हैं वो मैंने किसी किसी को गिफ्ट किए हैं, फिर खुद भी मैं इसको यूज करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैं ऐसे ही बल्क में लेकर आती हूँ इंडिया से। बहुत सारी इंडियन ज्वेलरीज में नहीं है, मैंने यहाँ से बहुत ही सारे कलेक्शन
इकट्ठे किए हैं अपने, लेकिन इसमें कलर मुझे अलग क्यों दिख रहा है मुझे नहीं मालूम। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, यू नो साड़ी के ऊपर ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। व्हाइट है। चलो मैं एक एक करके ऐसे उठा के हाथ से दिखा देती हूँ। बहुत ज्यादा पसंद है स्पेशली साड़ी के ऊपर, और इसमें मैंने डबल लगा दिया है, जगह नहीं था तो। एक तो ये है पूरा, मैं आप लोगों को इसको पहन के भी दिखा सकती हूँ, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही ज्यादा हल्का है, लाइक 10 ग्राम इसका वजन होगा, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। देखने में ये कितने हैवी दिख रहे हैं बट बहुत हल्का है। और इसके साथ ये इसके इयररिंग्स भी हैं, इसके बीच में एक और नेकलेस है, उसके इयररिंग्स भी मैंने डाल दिए हैं साथ। यार ये उल्टा पुल्टा सारा हो गया है, जगह नहीं होता है, कितना स्पेस बना करके रखे। मैंने कोशिश तो की थी कि सारा दिख जाए बट लग नहीं रहा कि दिख पाएगा। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े से इयररिंग्स हैं एक्चुअली, ये मुझे बहुत पसंद है, छोटा सा है बट बहुत ही क्यूट है, ये भी मुझे बहुत पसंद है छोटे। सारे नेकलेस हैं अलग अलग तरीके के, मैं पहनती नहीं हूँ, नेकलेसेस पहनना मुझे खास पसंद नहीं है, बट कलेक्शन तो हर किसी को अच्छा लगता है ना। इयररिंग्स मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा, मैं उसके तो हजारों कलेक्शन कर लूँ फिर भी लगता है और रख ले। और इसमें ये सारे कान में की जो हमारे बालियां कुंडल जिसको कहते हैं, उसमें से मैंने एक पहना भी है अभी, ये मैंने ऑनलाइन है यहाँ मोस्टली लिए हैं, ये इंडिया वाले नहीं हैं एक भी। इसमें छोटी छोटी सी झुमकियाँ हैं मेरी, और इधर मेरे पायल हैं जो कि कितने स्पेशल नहीं है बट मेरे पास थे और मुझे बहुत स्पेशल लगते हैं। यू नो शादी में मिली हुई चीज किसको अच्छी नहीं लगती है, बहुत सारी हैं लेकिन मैं लाई सिर्फ 2 या 3 ही हूँ, क्योंकि जरूरत नहीं होती ना पायल एंड ऑल की। मुझे ये पायल बहुत ज्यादा पसंद है, और ये तो मेरी विदाई का पायल है जो कि मुझे घुघरू चाहिए था, यू नो इसमें का बहुत सुंदर नहीं मिल पाता है, अगर आप घुघरू वाले लोगे ना तो उसके अंदर सिर्फ ये खाली घुघरू ही आपको नजर आएगा, यही तो चाहिए पायल में। बाकी डिजाइन विजाइन तो यू नो पैर उठा के कौन दिखाता है कि पायल पहने हैं, घुघरू ही मेन होता है। और ये एक और इयररिंग है जो मैंने कभी आज तक नहीं पहना है, अभी आप लोगों को जो भी मेरे पास कलेक्शन था आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, इंडियन आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वो मैंने आप लोगों को दिखाया है। स्टिल अभी भी लाइक होंगे 20-25 तो एक्स्ट्रा होंगे, यू नो मेरे पास स्पेस नहीं था, अब ज्यादा ट्रे नहीं था, इससे मैंने सारे ट्रे यूज कर लिए हैं। तो मेरे पास इससे ज्यादा स्पेस नहीं था। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले कमिंग वीडियोस में, जब भी मैं अपना नेक्स्ट हॉल दिखाऊंगी, लाइक बनारसी साड़ी, सिफॉन साड़ीज एंड मेरे जो भी सूट एंड ड्रेसेस एंड ऑल होते हैं लड़कियों के, तो जब भी मैं दिखाऊंगी उसके साथ मैं अपनी गोल्ड ज्वेलरी जो है वो ऐड करूंगी, और एक्स्ट्रा जो मेरे पास बैंगल्स एंड इयररिंग्स हैं मैं वो भी उसमें आप लोगों को दिखाऊंगी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, औरतें लड़कियां इस चीज को बहुत एंजॉय करती हैं। और आप लोगों के पास भी कैसा कलेक्शन है, अगर कुछ पिक्चर्स भेज सकते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में फोटोज भी डाल देना यार, अगर फोटोज आता होगा तो।
और मेरी ये साड़ी कैसी लगी, ये कलेक्शन कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आई होप अच्छा लगा होगा, मैं वो यही उम्मीद करती हूँ। और ये लिपस्टिक का जो शेड है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो ये लिपस्टिक का कलर, या फिर यू नो, फैलता नहीं है बिल्कुल भी किसी भी साइड में, मैं कितनी देर से लगाई हुई हूँ, तो अगर चाहिए होगा आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा। बहुत ही सस्ते में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, और अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।